नई जोश के साथ एक नया जन्म हो हमारा, मानो ये जीवन पूरा रूपांतरित हो जाए, इसके लिए योग साधना को आगे बढ़ाते हैं। जो कमजोर हैं, बीमार हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे बैठ जाएंगे। शेष थोड़ा सा और व्यायाम का एक पार्ट है जिसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और ज्यादा गहरा, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। जो स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, वे खड़े हो जाएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, बटरफ्लाई आदि सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूर्य नमस्कार के ये 12 पोज होंगे जो आपको अभी करने हैं। चलिए दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में, आराम आराम से श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा, जितना आराम से झुक पाए उतना झुके आगे पीछे, श्वास बाहर छोड़े। कोशिश करें आपकी हथेलियां जमीन पर, माथा घुटनों से लग जाए। दाहिना पैर यहीं रखे, बाएं पैर पीछे ले जाए। श्वास अंदर, दाहिना पैर आगे है। अब दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं, अब दाहिने पैर भी पीछे ले जाते हैं। घुटने एकदम सीधे, सिर झुका के नाभि को, पेट को देखते हैं, फिर घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी भी जमीन पर। अब सामने से पूरा उठा देते हैं, ऊपर देखो ना, ऊपर देखो सभी। अब बीच से उठा दो, अब बाएं पैर आगे ले आओ, बाएं पैर पर बैठ जाओ। कोशिश करो बाएं पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पीछे पूरा सीधा। अभी दाहिना भी आगे लिया, आगे जी को माथा घुटनों से लगाओ। कोशिश करो धीरे धीरे, फिर सांस अंदर भरते ऊपर उठ जाओ। फिर दोनों हाथ सामने, फिर से एक बार सांस अंदर भरते हुए, इस बार छोड़ते आगे झुक जाओ। दाहिने पैर पर बैठ गए, श्वास अंदर, बैठो बैठो दाहिने पैर पर, कमर नीचे झुकी भी, सीनों पर तनाव हुआ। अभी दाहिने पैर भी पीछे, घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी भी जमीन पर। अब सामने से पूरा ऊपर उठा दो, सामने से उठा, देखो ऊपर देखो ना, आराम से, कमर नीचे झुकी हुई, सीना ऊपर तना हुआ, श्वास अंदर। अब बीच से उठा दो, अब बाएं पैर आगे, अब दाहिने पैर भी आगे। अब सांस अंदर भरते पीछे, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ साइड से नीचे, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। जिनमें थोड़ी और ज्यादा जवानी उमड़ रही हो तो उनकी भी जवानी का जोश थोड़ा और बढ़ा देते। जवान आदमी को जब तक पसीना ना आए ना, उसको नहीं लगता कि व्यायाम हुआ है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो 50 वर्ष के आसपास जिनकी उम्र है, वे भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे कर ले। और ये मैं बता रहा हूं, जो अंडर 40 हैं या बहुत ही स्वस्थ हैं, तो अंदर 50 वाले भी कर सकते हैं।
व्यायाम का एक और तरीका है जिसको हमारे यहाँ पर बोला जाता है दंड बैठक कसरत। हमारे यहाँ पर सदियों से करते आए थे हमारे बुजुर्ग लोग। व्यायाम का एक ऐसा तरीका जिसमें आप स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं और आपकी जंघाओं का, आपकी भुजाओं का पूरा व्यायाम हो जाता है। सुंदर सुडोल आकर्षक जंघाएं, सुंदर सधी भी आपकी भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है इस कसरत से जिसको दंड बैठक बोला जाता है, ट्रेडिशनल एक्सरसाइज। कैसे? श्वास को अंदर भरा और नीचे आ गए, दो ऊपर उठ गए, तीन में वापस, एक तीन, ऐसे और ऐसे। आसान है ना? फास्ट करना हो तो एक मिनट में 25 से 30 बार हो जाता है एक ही मिनट के अंदर, तो फिर तो एक मिनट में पूरा व्यायाम हो गया। कैसे? ऐसे कर लिया। देखो, ऐसे ये तो मैंने आपको 10-11 बार करके बताया, थोड़ा सा 25 बार घर जाके कर लेना। ये व्यायाम का तरीका था। ये तो सरल वाला था, कठिन वाला तो ये होता है ऐसे। करना बोले बाबा, कोई मरना कहीं आड़गोड़े टूट गए तो ये तो व्यायाम वाला पार्ट पूरा हुआ। देखो, बटरफ्लाई करना, व्यायाम का पार्ट पूरा हुआ। अब ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये सब कर सकते हैं ना। देखो, अब आपको सूक्ष्म व्यायाम तो प्राणायाम करते करते ही बीच में हम करा देते हैं, अब आसन कराएंगे। आसनों में दो तरह के आसन होते हैं, एक सरल आसन, एक कठिन आसन। जैसे कठिन आसनों में होता है मयूरासन, कठिन आसनों में होता है चक्रासन, और सरल आसनों में मंडूक आसन, शशकासन, जो आपको रोज आसनों का पूरा पैकेज कराते हैं, मुख्य 9 आसन। अब देखो, आप बैठ जाओ, सीधे बैठो, कपाल भाती करो सब। ABP News, आपको रखे आगे।